संसद के पहले दिन सरकार ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है देश को। आज से पनीर हो, छाछ हो, लस्सी हो, मुरमुरे हो, आपके एलईडी लैंप हो, उनपे जीएसटी लगना चालू हो गया है। और तो और लिखने पढ़ने का काम भी बंद कराना है, इसलिए पेंसिल और शार्पनर पे भी 18% जीएसटी लगा दी है। तो अब आप अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए पेंसिल खरीदेंगे तो आज से 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। और 1000 रुपए से कम का जो होटल है, वो 1000 से कम के होटल में कौन रुकते हैं? मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम आय वर्गीय परिवार, वो सब लोग रुकते हैं। उन पे जीएसटी आपने 12% आज से लागू कर दी है। साथियों, एक नया थ्री स्टेप मॉडल मोदी सरकार ने विकसित किया है भ्रष्टाचार का, और उस मॉडल की सारी परतें मैं लेके आया हूं आपके सामने। देश में 75% बिजली का उत्पादन कोयला आधारित जो बिजली घर है वो करते हैं। तो अगर हमारे देश में अगर 100 यूनिट बिजली मान लो बनती है तो 75 यूनिट बनाती है कोयला आधारित जो बिजली घर है वो। मोदी सरकार ने इन कोयला आधारित बिजली घरों को सबसे पहले बोला कि आपको 10% कोयला इंपोर्टेड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंपोर्टेड कोयला ब्लेंड नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, अच्छी बिजली नहीं उत्पन्न होगी। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला। ये तो हुआ स्टेप नंबर 1 कि पहले 10% कोयला बाहर से मंगाने की एक नेसेसरी कंडीशन जोड़ दी जाए। स्टेप नंबर 2 आता है फिर। स्टेप नंबर 2 के तहत 2.416 मिलियन टन, अर्थात लगभग 2.5 मिलियन टन इंपोर्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेका है, 2.5 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करने का ठेका, कोई गैस करने की जरूरत नहीं है। देश को सबको पता है कि वो अडानी को ही मिला होगा। तो स्टेप नंबर 1 में पहले कोयला आधारित बिजली घरों को बोलो कि 10% कोयला बाहर से इंपोर्ट करके लाना है, देशी कोयला नहीं चलेगा। स्टेप नंबर 2 में लगभग 2.5 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार दे देती है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को। और यहाँ पे ये चीज, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो इंपोर्ट करने का जो ठेका है अडानी को दिया जाता है 16,700 रुपया प्रति टन कोयला, जबकि जो देशी जो डोमेस्टिक कोल सप्लायर है वो 1700 से 2000 पर टन में कोयला सप्लाई कर देंगे। पर यहाँ पे अडानी को ठेका दिया जाता है 16,700 रुपया प्रति टन। अब स्टेप नंबर 3, ये जो देश के जो कोल आधारित कोयला घर जो बिजली बनाने वाले संयंत्र लगा के बैठे हैं, वो आज इंपोर्टेड कोयला अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से जो देशी कोयला उससे 7 से 10 गुना दाम पे खरीद रहे। नतीजा क्या हुआ इस 3 स्टेप मॉडल का कि आपको मुझे उद्योगों को जो कोयले से बिजली बन रही है, क्योंकि 75% बिजली देश में कोयला से आ रही है, उसके भाव आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। तो व्हाट एन अरेंजमेंट सर जी, दिस इज कॉल्ड एज 3 स्टेप फ्रेंड बेनिफिट मॉडल, कि आप पहले कोयला पर, जो कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र है, जो भले निजी क्षेत्र में हो या सरकारी उपक्रम हो, उनको बोलो 10% विदेशी आयातित कोयला लाना पड़ेगा। उसके बाद 2.5 मिलियन टन का जो ठेका है विदेश से आयात करने का, वो 16,700 रुपये प्रति टन का ठेका अडानी एंटरप्राइज को दे दो, और देश में जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो 1700 रुपये पर टन में दे रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज वही कोयला विदेश से आयात करके 20,000 रुपया प्रति टन पे दे रही है, 20,000 रुपीज पर टन। तो व्हाट एन अरेंजमेंट सर जी, व्हाट ए फ्रेंड बेनिफिट मॉडल यू हैड डेवलप्ड। सो पहले दोस्त के लिए
अध्यादेश नोटिफिकेशन निकाल के बोलो 10% आयातित कोयला लगेगा, फिर आयात करने का 4,035 करोड़ का ठेका अडानी एंटरप्राइज को दे दो, और फिर जो राज्यों के पावर स्टेशन से उनको बोलो कि वो 10% आयातित कोयला इनसे खरीदे, जो कि जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे 10 गुना ज्यादा है। सो दिस वाज द फर्स्ट इश्यू। सेकंड इश्यू फ्रेंड्स, दूसरा इश्यू मैं आपके सामने लेके आया हूं। सावन के पहले सोमवार पे सरकार ने आज बहुत बड़ी गिफ्ट दी है हम सबको। आज से आटे पर 5% GST लगना चालू हो गया है। संसद के पहले दिन सरकार ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है देश को। आज से पनीर हो, छाछ हो, लस्सी हो, मुरमुरे हो, आपके LED लैंप हो, उन पे GST लगना चालू हो गया है। और तो और लिखने पढ़ने का काम भी बंद कराना है, इसलिए पेंसिल और शार्पनर पे भी 18% GST लगा दी है। तो अब आप अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए पेंसिल खरीदेंगे तो आज से 18% GST देनी पड़ेगी। और 1,000 रुपये से कम का जो होटल है, वो 1,000 से कम के होटल में कौन रुकते हैं? मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम आय वर्गीय परिवार, वो सब लोग रुकते हैं, उन पे GST आपने 12% आज से लागू कर दी है। तो एक तरफ तो जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वो 7% से लगातार ज्यादा है, रिटेल इन्फ्लेशन, बेरोजगारी की दर 7.8% पर बनी हुई है, रुपया 80 को टच कर रहा है, और इन सब का समाधान मोदी सरकार ने सोचा है कि आटे पर GST लगाओ 5%। इन सब का समाधान ये है कि शहद पर GST लगाओ 5%। इन सब का समाधान ये है कि मच्छी पर और मांस पर GST लगाओ 5%। तो इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण सब्जियां 18% से बढ़ रही है, और इधर आटे पे आपने 5% GST लगा दी। तो अब थाली में से रोटी गई आटे पे GST लगाने के कारण, सब्जियां पहले ही नदारद हो चुकी है, और ये सावन के पहले सोमवार की मोदी सरकार की गिफ्ट है। हाँ, दूसरा जो मैंने मुद्दा उठाया वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 3 स्टेज एक करप्शन, एक अरेंजमेंट मॉडल है, जिसमें दोस्त के बेनिफिट के लिए आपने पहले 10% आयातित कोल की कंडीशन लगाई, फिर अडानी को 4,035 करोड़ का कोल आयात करने का ठेका दिया, और अब जो कोल आधारित संयंत्र खरीदेंगे वो जो डोमेस्टिक कोल है उससे 10 गुना ज्यादा प्राइस पे ये आयातित कोल खरीदेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को अतिरिक्त पावर कॉस्ट का बर्डन क्यों देना चाहते हो? आप लोगों को आटा पे GST लगाने का आपका क्या मॉडल है? जब देश में इन्फ्लेशन पीक पर हो, जब देश में बेरोजगारी पीक पर हो, जब देश का रुपया लगातार गिर रहा हो, उस समय आटे पर GST लगाने का क्या तुक है? सो ये दो मुद्दे लेकर हम आपके सामने आए थे।